बात आदिवासी कार्ड की नहीं, उनके पास और भी नेता होना चाहिए था। क्राइसिस ऑफ लीडरशिप ये दर्शाता है, और नॉट ओनली इन झारखंड, पूरे देश के अंदर में इनके पास में नेता विहीन ये पार्टी है। नेता नहीं, नीति नहीं, विचारधारा नहीं, आइडियोलॉजी नहीं। तो जिनके पास सिर्फ समाज में फिरका परस्त करके सत्ता हासिल करना जो दल चाहते हैं, उनके पास नेता नहीं है। यही बाबूलाल मरांडी जी थे जो कहा करते थे, भाजपा में उसी दिन जाऊंगा जिस दिन कुतुब मीनार से मुझे कूदना पसंद होगी। तो आज भाजपा के पास नेता नहीं है, और आज मैंने देखा अखबार में कि उससे दूरी बनाया अर्जुन मुंडा जी जैसे सरीखे कैबिनेट मंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने भी दूरियां बनाई उनके कल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो भी हो। तो हम ये मानते हैं कि बीजेपी के पास नेता नहीं है। विधायक दल का भी नेता इन्हीं को बनाया गया, प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया, और भी कुछ अगर भाजपा में होने की है तो इन्हीं को बनाया जाएगा। राज्य के कई हिस्सों में आप देखिए कि इनके पास में नेता नहीं होते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए, वो चेहरा तो दूसरे दलों से हाईजैक करके लाते हैं। चार चार मुख्यमंत्री तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी के हमारे दल से लोगों को लेके गए हैं। तो इनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है और इनके पास में कोई नेता नहीं है। यही है, यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति।